सुप्रभात, क्या हाल चाल? हम सब बहुत ज्यादा बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो यार? अभी हम जा रहे हैं अंडमान निकोबार से कोलकाता। आज मेरा इस जहाज पे थर्ड डे है। अगर आप रोज देखते होंगे आपको सौरा पता होगा। एंड आज ना उठी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कुछ लोगों ने पहले भी सफर किया होगा इस जहाज पे। मैक्सिमम बोल रहे हैं कि 3 दिन में ना जो कोलकाता के आसपास पहुंच जाता है। बट जो हमें कार्ड मिला है ना, जिसपे उन्होंने पैसे काटे हैं खाने के, उस पे लिखा है 27 को पहुंचेगा शाम को। मैं भी एक दिन ये ना गंगा पे खड़ा भी रहता है, कोलकाता पहुंचने के बाद एक दिन खड़ा भी रहता है, मतलब 28 को पहुंचेगा। आज है 26, मतलब अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं। मान के चले तो 2 दिन बचे हुए हैं, क्या पता पहुंचने को शाम को भी पहुंच सकता है। वो डिपेंड है जहाज की स्पीड के ऊपर। एंड वैसे इस जहाज के ऊपर तीसरा दिन भी आज हमारा बढ़िया चल रहा है। बस कल शाम को ना मैं थोड़ा टाइम ना बेब्स देख रहा था, वो हिल मतलब साइड पे चल दिया ना, वाइट पानी बन रहा है नीचे, उसको देख रहा था। इतना ज्यादा चक्कर आ रहा था ना शाम को, आज नहीं देखूंगा भाई। एंड पूरे 2 दिन के बाद नहा भी लिया, दिख रहा है मस्त वाला भाई। जहाज के ऊपर कोई नहाता भी नहीं है, एंड गर्म वाला पानी है, मजा आ गया नहाने का। और अभी ना मुझे पता क्या लग रहा है, हमारा जहाज ना जो पहली स्पीड थी ना, ये पोर्ट ब्लेयर से निकला था, उस टाइम इतनी स्पीड में चल रहा था, अभी देखो मरी हुई स्पीड में चल रहा है। पक्का 28 को ही पहुंचाएगा। एंड 2 तारीख को ये फिर से वापिस आने वाला है। टाइम से टिकट ले लेना भाई काउंटर पे आके, इसकी बता रहा हूँ। जो 3 दिन खड़ा रहता है, जैसे 28 को पहुंचेगा ना, वहां पे 3 दिन खड़ा रहेगा। एंड 2 तारीख को फिर से चलना शुरू हो जाएगा, फिर अंडमान में आके 3 दिन खड़ा रहेगा, फिर उसी के हिसाब से 2 दिन बाद फिर से चलना शुरू हो जाएगा। एंड सेम कल जैसा सीन है, यहाँ तक नजर जा रही है ना, सेम भाई समंदर ही समंदर दिख रहा है चारों तरफ। कोई भी मतलब मिट्टी का टुकड़ा नहीं मिल, जमीन का टुकड़ा नहीं मिल रहा, मिट्टी का टुकड़ा बोल रहा हूँ। एंड देखो यहाँ तक नजर जा रही है ना, एक समंदर का पार्ट मिल रहा है, एक आसमान का पार्ट मिल रहा है। एंड वहां तक ही नजर जाती है बंदे की। एंड अभी ना जब चले थे ना, उस टाइम पानी ब्लू नजर आता था, अभी ब्लैक दिख रहा है पूरा। है ना भैया, ब्लैक है ना ये? पहले मेरे को लग रहा था मुझे ब्लैक दिख रहा है, फिर मैंने सभी को पूछा, सभी को ब्लैक ही नजर आ रहा है। वो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में पूरा एक्सप्लेन करके बताया था कि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा गहरा है, इसलिए ब्लैक नजर आ रहा है, ब्लैक वाटर। बाकी दोस्तों अपना सफर मस्त चल रहा है। एंड शाम तक देखते हैं कि कोलकाता पहुंचते हैं नहीं, इसी ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। सुबह सुबह ना हमारे साथ एक पोपट भी हो गया था। सुबह हम उठे कम से कम 5:45 उठे थे, हमने देखा कि सूर्य देवता, आज मैं आपको सनराइज दिखाऊंगा कुछ ऐसा सोच के आया था मैं। एंड बाद में पता चला सूर्य देवता सीधा ऊपर से निकले, पहले दिखे नहीं बादलों में, सीधा ऊपर से निकले। क्योंकि अभी आपको बताया ना, बारिश हुए कम से कम 10-12 दिन हो चुके हैं, मौसम है ना थोड़ा धुंधलापन आ चुका है। अगर बारिश हुई होती ना, फिर ऐसा लगता है कि समुंदर से निकल रहे हैं सूर्य देवता। बट सारा पोपट हो गया यार, ये वाला हिस्सा मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अक्सर मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जाग बनती रहती है ना, कम से कम ब्लैक वाटर तो नहीं दिखता है ना। अगर मैं सच बोलूँ ना दिल से, तो मेरे को इस जहाज के ऊपर इतना ज्यादा मजा आ रहा है। मेरे को आप बोले ना कोई अंकुश, तेरे को 10 दिन और इस जहाज पे रहना है, तो मैं मना नहीं करूंगा, बस मेरे को नेटवर्क प्रोवाइड करके दे दे। चलो अभी ना मैं आपको पूरा जहाज घुमाता हूँ। तीसरा दिन है, अभी तक मैंने आपको पूरा जहाज नहीं घुमाया है, बस थोड़ा वो हिस्सा दिखाया, इसका ऊपर वाला हो गया। चलो शुरू करते हैं, पूरा जहाज दिखाता हूँ। इसके 4 डेक बने हुए हैं, मतलब 4 बिल्डिंग है इसकी, 4 मंजिला है। पहले वाली जे मान लो कि ऊपर वाला छत है, ओपन है जो। अभी मैं इसके नीचे वाला दिखाता हूँ, क्या क्या कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है? पूरा दिखाता हूँ, 1 मिनट में पूरा कर दूंगा शायद। चलो पहले ये वाला देख लो जो कि मैंने आपको बहुत बार दिखाया है, अभी नीचे चलते हैं। और ये वाला आपको सब पता है, यहाँ पे योगा करने के लिए आते थे अंकल जी, बस उनको शायद सिकनेस होगी, वो बाहर ही नहीं निकले बाद में। एंड ये वाला हमारा दिख रहा है ना, ये वाला भाई साहब फर्स्ट क्लास कैबिन है। ये वाले कैबिन यार किसी ने बुक ही नहीं करे, नहीं तो मैं आपको खोल के दिखा देता कि इसके अंदर क्या क्या होता है। बाकी ये वाले नीचे सीढ़ियां जाने के लिए बनी हुई है, ये भी कैबिन ही है सारे। एक ही कैबिन बुक था, वो कैबिन मेरे को अभी याद नहीं है कि ऊपर वाला या नीचे वाला। ये कैबिन देख लिया आपने, एंड उधर भी कैबिन है, और ये बनी हुई है सारी सीढ़ियां अलग अलग बंक बेड के लिए। अभी हम चलते हैं इसके नीचे, देखते हैं इसके नीचे क्या है। अच्छा, नीचे आने के बाद ये हमारी रिसेप्शन रूम, जब हम एंट्री हुई थी ना यहीं से हुई थी हमारी एंट्री। एंड उधर भी बंक बेड है, एंड इधर भी बंक बेड है। चलते हैं, सॉरी सॉरी, ये कैबिन है सारे, इधर भी कैबिन है एंड उस वाली साइड भी कैबिन है, मतलब 2 मंजिला ना इसके कैबिन है। एंड नीचे वाली साइड देखते हैं, और 2 मंजिला इसके बंक बेड है। अभी हमारा आएगा किचन, यहाँ पे हम रोज खाना खाते हैं दिन में 4 बार। और जे वाला भाई साहब हमारा किचन आ गया, दिख रहा है? और एज ए रियलिटी बताऊँ ना, पूरा दिन मैक्सिमम हमारा किचन में बीत जाता है, क्योंकि 4 बार आना पड़ता है यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने के लिए। और उधर भी बंक बेड है, और इधर वाली साइड भी बंक बेड है, 2 बंक बेड है एंड 2 डिलक्स कैबिन रूम है।
एंड अभी और नीचे चलते हैं। अभी हम थर्ड नंबर की रो पे है, अभी सबसे वाले सबसे लास्ट वाली पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा बंक बेड बना हुआ है। ओके, ये सबसे लोएस्ट है एंड इधर भी बंक बेड हैं सारे और इधर भी हैं। टोटल कैपेसिटी है 700, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एंड ये वाला हमारा है भाई, देख रहे हो ना भाई, शॉटगन मैंने आपको पूरा जहाज घुमा दिया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बाकी वाले हिस्सों में क्या होगा। मतलब पूरा घुमाऊंगा तो पूरा 15-20 मिनट लग जाएंगे मेरे को। बहुत बड़ा जहाज है, मैंने एक डेक की एग्जांपल देके आपको पूरा बता दिया कि 4 मंजिल में क्या क्या है, सही है ना। एंड भाई रात को ना बहुत ज्यादा ठंड होती है। मैं आपको बता दूं, ये मैंने पैरों से इससे मैंने पैर ढके हुए थे और ये भाई जी का शॉल मैंने लिया हुआ है। इसका दिक्कत पता क्या है, जी है 4 फीट और मैं हूँ भाई 5.5 फीट। मतलब अगर मैं मुंह ढक लेता हूँ पैर रह जाते हैं, अगर पैर ढकता हूँ तो मुंह रह जाता है। तो मैंने इससे पैर अपने बांध लिए और इसको अपने मुंह के ऊपर ले लिया एंड जिसकी वजह से मेरी रात सही निकली थोड़ी बहुत। I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. And even though no... अभी ना दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आज थर्ड डे हमारा यहाँ पे, मैं 5-6 बार आपको बता चुका हूँ और कोई भी बाहर घूमने के लिए निकल ही नहीं रहा। मतलब सारे अंदर सो रहे हैं। पहले दिन मैंने देखा सारे जहाज के ऊपर आगे पीछे घूम रहे थे, अभी कोई नहीं निकल रहा मेरे बिना। और जज्बात यहाँ पे बड़ी जल्दी चेंज होते हैं। जैसे मैंने सुबह बोला था कि मेरे को 10 दिन भी मिल जाए ना यहाँ पे घूमने के लिए, मैं 10 दिन रुक सकता हूँ। बट मैंने एक लाइन बोली थी, इंटरनेट मिले तो भाई हाल मेरा हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से कोलकाता पहुंचूं और मेरे को इंटरनेट मिले भाई चलाने के लिए। आपको बताया ना, आजकल हम इंटरनेट के बिना तो रह ही नहीं सकते भाई साहब, कुछ ऐसा हाल चल रहा है। और अभी टाइम हो चुका है सुबह के 11:30। सुबह मैंने अपना खाना स्किप कर दिया क्योंकि मेरा जो दूसरा भाई है ना मेरे साथ है, उसके बाद पैसे खत्म हो चुके हैं, तो मैंने उससे सुबह का खाना दे दिया, खुद भी थोड़ा बहुत खा लिया। मतलब तो अभी इतनी तेज भूख लग रही है, कब 12:30 होंगे, कब मेरे को खाना मिलेगा। और अभी मैंने बोला था ना, इंडिया के 2 टाइम जोन चल रहे हैं। पहला कोलकाता, कोलकाता मेन लैंड है ना, जो मतलब अंडमान निकोबार 1 घंटा पीछे चल रहे हैं, बट अभी 1/2 घंटा पीछे चल रहा है। और मुझे नहीं पता अभी कुक भाई साहब कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हैं, मेनलैंड वाली कर रहे हैं या अंडमान निकोबार वाली कर रहे हैं जो 1/2 घंटा पीछे है। तो अभी 1 घंटे बाद ही खाना मिलेगा यार, भूख लगी सच्ची। दो ही काम है तो आपको बताना, शिप में घूमना, रेस्ट करना और खाना खाया और ऊपर आगे। और अभी सुंदर देखो बिल्कुल शांत है। जब हम पोर्ट ब्लेयर से निकले थे ना, पहले 2 दिन भाई इतनी बड़ी बड़ी लहरें थी, अभी देखो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्मूथली चल रहा है जहाज में, कोई भी हरकत नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है हम ट्रेन में बैठे हुए हैं। और पहले 2 दिन तो जहाज भाई साहब ऐसे ऐसे हिल रहा था, मेरे को डर भी लग रहा था। और हर जगह ना बाइट वाली धुंध हो चुकी है, पता नहीं क्या चक्कर है। अभी अपना सफर थोड़ा ही बचा है, कम से कम 400 किलोमीटर होगा और जहाज चल रहा है हमारा 20 की स्पीड पे चल रहा होगा। इतना बड़ा है यार ये, आहिस्ता ही चलेगा, देखते हैं क्या बनता है। चलते हैं, अभी काफी घूम लिया मैंने, दिख रहा है अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे, सारे अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं। यार पहले मुझे लग रहा था मुझे ही सबसे ज्यादा भूख लगी है, बट लोग 1 घंटा आके पहले बैठ चुके हैं, मतलब सभी को भूख लगी हुई है। तो भाई जी टाइम हो चुका है शाम के 5:30 एंड आपको बताना शाम को क्या होते हैं, सारे इसी डेक पे आते हैं इकट्ठे होने के लिए। दिख रहा है ना सारे जितने भी है ना, सारे इसी साइड खड़े होंगे क्योंकि सामने हो रहा है आज हमारा तीसरा प्यारा सा सनसेट। यार क्या मस्त वाला लग रहा है ना, बट अभी ना धुंध के बादल बहुत ज्यादा बन चुके हैं इसलिए दूर तक ना दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा होगा। और समुंदर देखो बिल्कुल अभी मतलब लहरें खत्म ही हो गई है, इसकी भी हिम्मत हार गई है समंदर की। एंड जिसमें मतलब 2 दिन पहले जो जोश था ना लोगों में, सारा खत्म हो चुका है, मतलब सारे ऐसे मर के बैठे हुए हैं। पहले अफवाह चल रही थी ना शाम को हमारा जहाज कोलकाता के आसपास पहुंचेगा, अभी पता चला कि कल शाम को या परसों सुबह पहुंचेगा। एंड सभी की हिम्मत ना जवाब देते हुए नजर आ रही है, जहाँ तो इन्होंने झरदा मारा हुआ है जहाँ फिर इनकी हिम्मत खराब हो चुकी है। एंड यार यहाँ पे ना बीड़ी सिगरेट पीना भी थोड़ा मना है, तो उसके लिए भी शायद बाबा लोग ना थोड़े खामोश से हो चुके हैं। जो बंदा सिगरेट बीड़ी पीता है ना, झरदा वर्दा मारता है, तो अगर उसे कंटिन्यू नहीं मिले ना तो उसकी हिम्मत ना जवाब देना शुरू कर देती है, सेम मुझे वैसा ही लग रहा है। बाकी देखते हैं कल तक पहुंच पाते हैं नहीं, बट यार मौसम बड़ा मस्त है अभी, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और कल ना इस टाइम ना हमें बहुत ज्यादा सिकनेस हो रही थी क्योंकि लहरें कल बहुत ज्यादा थी ना, इसलिए हम लहरें कंटिन्यू देखे जा रहे थे, पूरी 1 घंटे देखी जैसे आप भी बैठे हुए हैं। बट आज लहरें है नहीं है ना, सिकनेस हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, फील ही नहीं हो रहा, बस यही है कि खामोश हो गए सारे यार। बाबा लोग तो मैं मान सकता हूँ, जर्दा मुर्दा नहीं फूका होगा तो खामोश हो गए है ना।
कुछ भी बोले, जहाज के अंदर आप लोग दोनों बड़े मजे में है ना, मैं देख रहा हूँ, मजा लिया ना, बड़े मजे में आप लोग दोनों मजे हमने लिए, सही है। अभी ना हमें गुड न्यूज मिल चुकी है कि शाम को ना हमारा नेटवर्क आ जाएगा, और शाम को ये बाबा कितने बजे, 7 बजे रुकेगा, 7 बजे ना इस जहाज को मतलब रोक दिया जाएगा एक जगह है ना, एंड साइनोट, अच्छा मतलब इसका पायलट चेंज होगा वहाँ पे है ना, और इसके बाद ये कल 3 बजे कोलकाता पहुंचेगा ना, मतलब अभी कोलकाता कितने किलोमीटर है यहाँ से, 200 किलोमीटर। तभी यार पानी में बड़ा शांत हो चुका है अभी, दिख रहा है मतलब इसने भी टकरा के हिम्मत हार ली है, कुछ ऐसा ही है। चलो भाई एक मतलब खुशी की चिंगारी मिल चुकी है कि कल शाम तक हम पहुंच जाएंगे, नहीं तो आज की अफवाह चल रही थी, हमको किसी ने आज ही बताया था कि आज पहुंचेगा। ठीक है तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है रात के 7:30, सभी का खाना पीना हो चुका है। वैसे रोज की तरह देखा जाए ना पिछले जो 2 दिन निकले हैं ना, इस टाइम तक खाना खाने के बाद सारे अपने बेड पे सो रहे होते हैं, और आज दिख रहा है सारे बाहर घूम रहे हैं। इसका मतलब पता क्या है, हमारा जहाज ना कोलकाता के आसपास पहुंच चुका है, और अभी ये खड़ा रहेगा, रात को 10 बजे खड़ा हो जाएगा, मतलब एक पॉइंट समंदर के बीच में लंगर लगा के, वहां पे एक पॉइंट सा बना होगा समंदर के बीच, मैं रात को आपको 10 बजे दिखा दूंगा, और उसके बाद सुबह ना इसका पायलट चेंज हो जाएगा, फिर नया पायलट आएगा जो इसे चलाएगा, वो इसे एक नहर सी बनी होगी, मतलब दरिया छोटा सी नहर है जिसे कोलकाता के बिल्कुल बीच में लेके जाएगा, और अभी ना शायद नेटवर्क आना भी शुरू हो जाए, और अभी ना एक पॉइंट बोला जाता है, आपने सुना भी होगा उसके बारे में, मतलब जहाँ पे ना, अरे आजा भाई आजा, समंदर और दरिया आगे मिलते हैं ना, और मिलने के बाद भी वो पानी मिल नहीं पाता, वो पॉइंट अभी आने वाला है, एंड वहां से जब जहाज गुजरता है ना थोड़ा बहुत वाइब्रेट भी होता है। आजा भाई सारे, बड़ी तेज हवा आ रही है साइड से एसी वाली, एंड टाइम मिला था मैं आपको वो वाला पॉइंट दिखाऊंगा। वैसे मूवीज तो रे फोन की यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा आपने, एक पानी थोड़ा ब्लू टाइप का रहता है, एंड एक रहता है खारा जो दरिया से आता है, और मिलने के बाद गुलने के बाद भी वो मिल नहीं पाते, वो वाला पॉइंट अभी आने वाला है, रात को 10-11 बजे आएगा, उस टाइम तक शायद मैं सो जाऊं, बट अगर मुझे दिखाना मैं आपको पक्का दिखाऊंगा। हाँ कैमरा है भैया, छोटा कैमरा, खाना 120 रुपया लेता है, खाना कुछ नहीं देता है, खाली चावल। कहीं होगा वो भाई, कहीं है। अच्छा